की बड़ी अपडेट की ओर आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास या उद्घाटन किया जा रहा है, उसको लेकर आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी जमकर बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सब पर निशाना साधा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि बीएसपी सरकार गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट व एविएशन हब एवं नोएडा से बलिया तक 8 लेन की गंगा एक्सप्रेसवे आदि की परियोजना के मापर्थ यूपी में रोजगार व विकास को आयाम दे रही थी, लेकिन पूरी तैयारी के बावजूद कांग्रेस सरकार ने अड़ंगा लगाकर असहयोग किया। पहले सपा और अब भाजपा की सरकार कार्यकाल गुजरने के लगभग एक दशक बाद इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का शिलान्यास हुआ, जबकि विकास के ऐसे कामों का समय से पूर्व ही पूरा हो जाना चाहिए था, किंतु अब चुनाव के समय इस तरीके इनकी नींव रखी सरकार की नीति और नियत दोनों के ऊपर शक और उठाना स्वाभाविक है। साथ ही बिना उचित मुआवजा और जनता को पुनर्निवास भूमि अधिकरण के तहत ही कोर्ट के बिना आदेश के ही इस तरीके से बीजेपी सरकार ने सब कुछ किया है।